मेरे मन में सवाल आता है, आपके भी आता होगा, कि भारत पहले सोने की चिड़िया क्यों था और भारत को फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाए। एक बार हम देखें, भारत पहले सोने की चिड़िया क्यों था, उसमें ऐसी क्या बातें थी। भारत एक ऐसा प्रदेश था जिसमें लोग उद्यमी थे, हर व्यक्ति के पास कोई न कोई हुनर था और उस हुनर को वो पूरे इत्मीनान से, पूरे डिवोशन से, पूरी श्रद्धा के साथ उस हुनर को वो फॉलो करता था। उस हुनर के अंदर वो अपनी जान लगा देता था। उस हुनर के अंदर उसे अपना ईश्वर, अपना अल्लाह, उसे अपना सब कुछ नज़र आता था और उस हुनर को वो सीखता था, सिखाता था और आगे नई पीढ़ी को भी वो सिखाता जाता था। यही कारण था कि भारत में हर व्यक्ति उद्यमी था। आज जिन लोगों को आप अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, दरअसल ये वो लोग थे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। ये वो लोग थे जो कभी बहुत धनवान हुआ करते थे। धनवान का मतलब सिर्फ पैसे के धनवान से नहीं है, धनवान का मतलब ये है कि ये वो लोग थे जिनकी कला को ज़माना सलाम करता था। ये लोग अपने हुनर के बल पर पूरे भारत को धनवान कर सकते थे। कोई सोनार था तो उसके बनाए हुए गहने इतने कमाल के होते थे कि पूरी दुनिया उन गहनों को खरीदना चाहती थी। कोई लोहार होता था तो लोहे का इतना शानदार काम करता था कि पूरी दुनिया वो लोहा लेना चाहती थी, आदि आदि। कहने का मतलब ये, हर व्यक्ति उद्यमी था। कोई व्यक्ति सिर्फ किसी दूसरे के आसरे पर नहीं था, वो अपने हाथ के अंदर इस प्रकार का हुनर स्थापित कर सकता था कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाता था। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, तो फिर वही बात है, हर व्यक्ति को हुनर दीजिए, हर व्यक्ति को हुनर सिखाइए, हर व्यक्ति को उद्यमी बनाइए। जब हर व्यक्ति उद्यमी बनेगा तभी ये देश फिर से तरक्की करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सरकार जिस तरह से सरकारी नौकरियों को प्रमोट कर रही है, सरकारी नौकरियों के लिए लोगों को आकर्षित कर रही है, उससे ठीक है कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन 100 लोग ट्राई करते हैं एक को सरकारी नौकरी मिलती है और 99 लोग सिर्फ इस लाइन में लगे रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, एक फिक्स करियर की तरफ वो चले जाते हैं, वो हुनर की तरफ नहीं जा रहे। उनका एक ही उद्देश्य होता है, येन के इन प्रक्रिया, या तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाए। ये जो टेंडेंसी शुरू हुई है ये इस देश के लिए हानिकारक है। इस टेंडेंसी को रोकना पड़ेगा और इसको रोकने के लिए इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को डिस्करेज करना है जो सिर्फ इस प्रकार की नौकरी के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, और उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को प्रोत्साहित करना है, उन संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है जो फिर से लोगों को उद्यमशील बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को हुनर सीख करके अपना स्वयं का उद्यम सीख शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यकीन मानिए, जिस दिन से हर भारतीय फिर से उद्यम प्रधान हो जाएगा, उद्यमी बन जाएगा, हुनर के ऊपर विश्वास रखेगा, देश के अंदर तरक्की हो जाएगी। दूसरी बात, एक वो समय था जब हर भारतीय को भारतीय होने पर फख्र होता था, उसे इस बात पर बड़ा ही फख्र होता था कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज़ादी के पहले तक ये माहौल था, हर व्यक्ति भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल करना चाहता था, भारतीय वस्तुओं को इस्तेमाल करके उसे फख्र महसूस होता था। ये बहुत अच्छी बात थी और इस देश की तरक्की के लिए बड़ा शानदार था। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र की, भारत की वस्तुओं को इस्तेमाल करना पहली प्राथमिकता देता था, वो नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह की वस्तुएं लेता। ये भावना आज फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है ताकि हर व्यक्ति अपने आसपास के उद्यमियों को सहारा दे, उन वस्तुओं को इस्तेमाल करके फ़ख्र महसूस करे जो उसके आसपास में बन रही है। अगर हम हर व्यक्ति भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल फ़ख्र के साथ करेंगे तो यकीन मानिए भारत के छोटे उद्योग, लघु उद्योग फिर से प्रोग्रेस करने लग जाएंगे, तरक्की करने लग जाएंगे। देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि छोटे सूक्ष्म उद्योगों को संबल मिले, सहारा मिले। अगर आपके पास दो उत्पाद हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का है और एक आपके पड़ोस की कंपनी का है,
वो छोटा उद्यमी है। उस छोटे उद्यमी के उत्पाद में और बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पाद में गुणवत्ता के स्तर पर, पैकेजिंग पे मैं नहीं जा रहा, गुणवत्ता के स्तर पर, फंक्शनल वैल्यू के स्तर पर आपको लगे कि ये दोनों उत्पाद लगभग एक जैसे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी कंपनी का माल खरीदना चाहिए। अगर ये भावना हर व्यक्ति के मन में आएगी तो देश के अंदर फिर से तरक्की होने लग जाएगी, क्योंकि यकीन मानिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरक्की के लिए हम प्रयास करेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। देश के लोगों को रोज़गार तभी मिलेगा, देश की तरक्की तभी होगी जब हम सभी इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि ठीक है, हम अपने पड़ोसी व्यक्ति का माल खरीदेंगे, अपने पड़ोसी व्यक्ति के उद्योग को सहारा देंगे, उसको संबल देंगे, सिर्फ विज्ञापन के पीछे नहीं भागेंगे, सिर्फ ब्रांड्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने पड़ोसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए माल को खरीदेंगे, जिससे उसको सहारा मिले, वो भी तो हमारे को सहारा देगा। इसी प्रकार इस देश के अंदर तरक्की हो पाएगी। तीसरी बात, हम सबको फिर से भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की तरक्की के लिए और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की तरक्की के लिए मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा। ये काम हम जब तक नहीं करेंगे तब तक असल तरक्की शुरू नहीं होगी। यकीन मानिए जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ अंग्रेजी के अंदर ही अपना कम्युनिकेशन करते हैं, अपना काम करते हैं, सिर्फ अंग्रेजी को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह सही कर रहे होंगे, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वो इस देश की जो वाकई जो तरक्की है, ग्रास रूट डेवलपमेंट है, उसमें योगदान नहीं दे पाएंगे। उस तरक्की के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता रीजनल लैंग्वेजेस में बात करती है, भारत की अधिकांश जनता हिंदी में बात करती है, हमें ज़रूरत है हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में बात करें, उनको प्रोत्साहन दें और विद्यार्थियों को भी इन भाषाओं के अंदर आपस में बातचीत करने में और कम्युनिकेट करने में उनको मदद करें। और यकीन माने ये हमें अपने व्यवहार में, अपने नेचर में लाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अंग्रेज़ी जानता है और जो व्यक्ति हिंदी जानता है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ भाषा के स्तर पर फ़र्क है। अगर हिंदी भाषी व्यक्ति कोई काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है तो उसको हमें, उसकी हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी, उसको सहारा देना पड़ेगा। सिर्फ भाषा के आधार पर लोगों को रोकना न तो अच्छी बात है और ये हमारे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने की बात है। ये मन में हीन भावना लाना कि इस व्यक्ति को अंग्रेज़ी नहीं आती या मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इस कारण मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, ये हीन भावना गलत है। हमें अपनी भाषा के अंदर काम करना है, अपनी भाषा को प्रोत्साहित करना है और अपने बच्चों को ये संस्कार देने, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बात ये ज़रूर है कि वक्त के अंदर जो चल रहा है उसकी उल्टी बात आपको लग सकती है, लेकिन कई बार देश की तरक्की के लिए अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर करेंगे, लगेगा कि सबको लगेगा कि ये बात सही है, तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात हम सब लोग करेंगे, और जब हम सब लोग इसी बात को यकीन के साथ करेंगे तो वक्त की दिशा बदल जाएगी और फिर हमारे देश में फिर से तरक्की शुरू हो जाएगी। और यकीन माने सारा काम सरकार नहीं कर सकती, और जितना हम सरकार के ऊपर डिपेंड होंगे, हर काम के लिए सरकार की तरफ देखेंगे और हर काम के लिए सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, ये हमारे लिए ही हानिकारक है। सरकार का काम लिमिटेड सेक्टर्स तक होना चाहिए, बाकी सब काम हम लोगों को मिलकर के करने हैं। ये सब वो काम हैं जिसके लिए हमको आवाज़ उठानी है। हम आवाज़ उठाएंगे तो मजबूर होकर के मिनिस्ट्री ऑफ HRD को भी अपना नाम बदलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा नहीं, हम लोगों की मिनिस्ट्री हैं, लोगों के विकास के लिए मिनिस्ट्री है, ना कि HRD मिनिस्ट्री हैं। उस मिनिस्ट्री को भी ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, आप अपने लेख हिंदी में लिखिए, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखिए, आपके शोध पत्र हिंदी में प्रकाशित करिए, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करिए, और वो मिनिस्ट्री भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना शुरू कर देगी। जिस दिन वो ये काम शुरू करेगी उस दिन मजबूर होकर के जो टॉप इंस्टीट्यूशन कही जाती है वो भी हिंदी भाषा को और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना शुरू कर देंगे। हमें इस बात पे नहीं सोचना चाहिए कि साहब फलां इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वर्ल्ड रैंकिंग के क्या क्राइटेरिया हैं ये आप जानते हैं, मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा। जिस दिन एक इंस्टीट्यूशन गांव के लोगों से जुड़ेगी, गांव के लोगों के विकास के लिए काम करेगी, उन लोगों को सक्षम बनाएगी, उस व्यक्ति को इतना हुनर देगी कि वो व्यक्ति अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, आप यकीन मानिए वो इंस्टीट्यूशन बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन होगी, आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन होगी, और उस तरह के इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना ही हमारा फ़र्ज है।